पक्के हरियाणा के सभी वीडियोस पाए सिर्फ एक क्लिक पर। चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार के हरियाणा पे आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। चलिए, अब के हरियाणा का चुनावी सफर है वो शुरू हो चुका है। अब हम गांव-गांव जाकर के मतदाताओं की नब्ज टटोलने का काम करेंगे कि आखिर मतदाता इस बार क्या चाहते हैं, किस तरह का विधायक वो चाहते हैं। चाहे वो बात हो रानिया विधानसभा क्षेत्र की, चाहे वो बात हो डवाली विधानसभा क्षेत्र की, या फिर बात हो कालांवाली की, या फिर एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र की। चारों विधानसभा के लगभग गांव को कवर करने की कोशिश हम इस कार्यक्रम के माध्यम से करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों का साथ हमारे साथ लोकसभा चुनाव की तरह ही बना रहेगा। चलिए आज की शुरुआत करते हैं हम रानिया क्षेत्र के गांव अभोली से। अभोली गांव में मैं एक चौपाल पे चौगान में पहुंचा हूं, तो यहां पे कुछ साथी मुझे नजर आए, तो चलिए इन्हीं से पूछ लेते हैं कि आखिर क्या कुछ कहना चाहते हैं। सर, अभी विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, तो किस तरह का प्रत्याशी आपको लोकसभा इस माफ कीजिए विधानसभा क्षेत्र से चाहिए? सबसे पहले तो KTN न्यूज़ का हमारे गाँव अभोली में आने पर आपका स्वागत है। उसके बाद जैसे कि अपने आने वाले विधानसभा चुनाव है जिसमें इससे पहले कांग्रेस की सरकार रही 10 साल, उसमें कार्यकार हुए, लेकिन उसके बाद BJP की सरकार रही है जो, उसमें बहुत सारे विकास कार्य हुए जिससे सारे नगरवासी देश प्रदेश सारे संतुष्ट हैं। हम चाहते हैं कि आने आने वाले टाइम में भी जो सरकार BJP की बने, और प्रत्याशी हम वही चाहते हैं जो हमारे कार्यकर्ताओं से मिलते जुलते मेल खाते हैं, जैसे कि हमारे शीशपाल कम्बोज जी हैं जो हमारे गाँव में आते हुए हमारे विकास कार्य के लिए हमें ग्रांट प्रदान करी है जी, जिसके लिए हम बहुत बहुत उसका धन्यवाद करते हैं। आने वाले समय में हम चाहते हैं कि शीशपाल कम्बोज जी को ये पार्टी टिकट दे ताकि उनको उनकी सेवा का फल मिले, ताकि हम उनको वोट देकर जिता सकें। पर हमारे गांव में काम करवाए और आस पड़ोस के गांवों में भी अच्छा काम करवाए, ऐसा ही नेता चाहते हैं। ऐसे है जैसे भी अब हमारे ये काम करवाए हैं शीशपाल कम्बोज जी हैं, यहाँ के चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने काफ़ी काम करवाए हैं और वो 2-3 बार आए भी हैं हमारे गांव में, और हम उन्हीं को वोट देंगे यदि उनको टिकट मिलता है तो। अगर उनको टिकट ना मिलता है तो फिर सोचेंगे क्या कौन सा अच्छा नेता है हमारे लिए, कौन काम करवा सकता है हमारे गांव में और आसपास के गांवों में। पिछले विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को वोट दिया था आपने? BJP को ही दिया। BJP को जी। अब जी हम तो पहले दिन से भी BJP से जुड़े हुए हैं। अच्छा। और हमारे को सरकार ऊपर भी BJP की चाहिए, यहाँ भी BJP की सरकार चाहिए। और इतना हमारा गांव का निकास हुआ है, सड़कें बनी हुई हैं, नाली बनी हुई है, हर चीज़ के छप्पड़ है, 2-3 बोर लगाए हुए हैं, तो हम तो BJP की। अच्छा। सरकार ली BJP। BJP नो क्यों? क्योंकि BJP देश का विकास कर रही है हर क्षेत्र में। अच्छा। हर मामले में तो देश उन्नति की राह पे जा रहा है उनके उसमें, जिसे सपोर्ट था BJP, ओनली BJP। तो विकास तो कांग्रेस ने भी करवाया? नहीं सर, विकास कांग्रेस ने करवाया था, लेकिन हमारे गांव में तो कुछ नहीं करवाया। करवाया था लेकिन मैं एक इंजीनियर की जॉब करता था कांग्रेस के राज में। अगर कांग्रेस का राज रहता तो मैं कांग्रेस के राज में एक नौकर ही बन के रह जाता। आज मैं मालिक हूँ, अपने गाँव में आके 50,000 रुपये कमा रहा हूँ महीने के। अच्छा, ऐसा क्या कर रहे हैं आप? अपना बिजनेस कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ, तो अगर मैं लोकल नेताओं की बात करूँ तो नेता कौन से आपको? शीशपाल कम्बोज जी। शीशपाल कम्बोज और दूसरी पार्टियों में नेता? नहीं सर, और नहीं, देख लिया सबको। अच्छा। हाँ, क्या मन बनाया आपने विधानसभा चुनाव को लेके? विधानसभा चुनाव वैसे हम तो हैं कांग्रेसी। अच्छा। बाकी BJP सरकार ने काम बढ़िया कराए हैं, भ्रष्टाचार का फर्क पड़ा है पहले से, सड़कें बढ़िया बनवाई हैं, बढ़िया ग्रांट, बढ़िया बजट आया है, तो बाकी ऐसे ही अगर काम चलता रहा तो फिर आने वाले टाइम में BJP सरकार ही आने की संभावना है जी। नेता आपको इस बार चाहिए? इस तरह का नेता चाहिए जो विकास करे, गाँव का विकास करे और करे, ऐसा नेता चाहिए। अच्छा, तो ऐसा कौन नेता है? भारतीय जनता पार्टी में है या कांग्रेस? भारतीय जनता पार्टी में बहुत नेता ऐसे हैं जो विकास का काम करवा सकते हैं, जो हमारी जो जैसे शीशपाल जी है ये काम करवा रहे हैं। अच्छा। हम इसको अच्छा नेता मानते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में है कोई नेता ऐसे? नहीं, नेता तो है जी, नेता तो क्यों नहीं है, विकास करवाने वाले? विकास करवाने वाले भी तो है, पर हमारे लिए तो शीशपाल है इस टाइम मौके पर। अच्छा। साफ तो साफ सुविधा चाहिए जो कोई पिंडा के विकास कर सके, कोई साढ़े जोड़ों का कर सके, कोई नालियों का कर सके, कोई यहोजा विकास का काम हो। हाले तक थोड़े पिंड हो विकास कोई? हाँ, तो विकास चल रहा हूँ तो। अच्छा। पहले ना तो ठीक है काम। एवं नेता है कौन जो
कर सकता है विकास? कोई है थोड़ी निगाह च? कोई नहीं है भैया निगाह च हाले तक, कोई भी नहीं? कोई नहीं है पार्टी च? नहीं, कोई भी पार्टी आ जाए भावे तो सब खाने वाले यार है। अच्छा, तो विकास करने वाला कोई नहीं? विकास इस पार्टी ने कुछ माड़ा मोटा किया नहीं तो पहले तो साफ ही सी कम। नेता वह चाहिए जी जो देश का काम करे, देश के दे काम होने चाहिए ने, स्टेट के काम होने चाहिए ने। जो नेता आएगा जो काम करेगा वही नेता चंगा है, जो काम नहीं करेगा वो साढ़े वास्ते चंगा नेता नहीं है। जो भी काम करेगा साढ़े लिए वही नेता चंगा है। इन्ना पंजा साला चे केड़े नेता ने काम किया है? बहुत वधिया काम होया जी, कोई काम की कमी नहीं है। बहुत सोहनी सरकार ने काम किए ने, अगे भी सरकार आएगी काम चंगे करेगी। जे ना काम चंगे करेगी तो फिर जो पिछलियां सरकारां दे हाल होए इन्हें हाल हो जाए। पार्टी वो होनी चाहिए जिवें बोले ने जिहड़ा काम करे तो काम तो बिना नहीं, ना कोई खट्टर आवे तो ना कोई मोदी आवे। जाओ कहो इंडिया च। अच्छा, हाँ हूँ मैं अंदर कराओ वो कोई। अच्छा, आएगा कौन है? आएगा तो हूँ पार्टियां पहले दसो भी दिले नहीं बनाए हुए, सिरा लै जाओ सारा कुछ लै जाओ की करे उन्हें दो दो लख जाए दसो कि दो लख। अच्छा, कोई काम करे मैं दसो की काम करे दसो भी की पता पिंड दे बाकी लोग पिंड लैने कहते सिलेंडर दे दो सारा कुछ लै लो उन्हें फूक दो सिलेंडर नू बस इन्हें बस कह तू फिर दसागा। ठीक है, जैसे हुड्डा साहब है हमारे वो पहले जो भी करवाए, अब भाजपा सरकार में मनोहर लाल खट्टर जी ने बहुत बढ़िया काम किया है, हुड्डा जी से भी अब बढ़िया आगे कर रहे हैं तो अब मन बदल रहा है बीजेपी में आने। और सुरेंद्र नेहरा के ये है, चलो नेहरा साहब को मिले तो ठीक है, उनके फिर तो आएंगे इधर सपोर्ट में। अच्छा, तो चलो आगे का आगे देखो मन। बाकी गाँव के भाजपा ने बड़ी ग्रांट दी है, सरपंच साहब ने बहुत विकास करवाए हैं, बहुत बढ़िया चल रहा है। यानी कि कांग्रेस से बीजेपी में आप आओगे? अभी आप देखो जैसे सुरेंद्र नेहरा साहब आते हैं या कोई ऐसा जान पहचान का कोई आ जाता है तो, नहीं तो फिर है तो कांग्रेस में तो आएंगे। काम होया थोड़े पिंड सड़कों का विकास होया, खट्टर साहब ने बहुत विकास किया तो शीशपाल कंबोज ने किया काम तो। अच्छा, बीजेपी की आने टाइम से तुम की चाहोगे किड़े नेता टिकट मिलनी चाहिए? टिकट तो वैसे शीशपाल कंबोज ने मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने लोगों से बातचीत की अबोली गांव में, तो यहाँ पे लगभग लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को ही वो इस बार वोट करने वाले हैं। अगर लोकसभा चुनाव की बात करूँ तो कुल लगभग 1650 वोट पोल हुए थे इस गांव में, और उसमें से 800 वोट जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गिरे थे और 550 वोट कांग्रेस पार्टी को गिरे थे, 30-32 वोट जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को गिरे थे और बाकी के जो बचे हुए वोट हैं वो दूसरी पार्टियों को यहाँ से गिरे थे। और इस बार अगर हम गांव वालों की माने तो लगभग 1000 वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गिरने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के कहूँ कि यहाँ पर लोगों ने शिशपाल कंबोज को ज़्यादा पसंद किया है, बाकी दूसरी पार्टियों के नेताओं को भी लोगों ने पसंद किया है, लेकिन लोगों का कहना है कि विकास कार्य करने में शिशपाल कंबोज का बहुत अहम योगदान रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, और अगर आप TV चैनल पे देख रहे हैं तो रोज़ाना रात 8 बजे देखना ना भूलिएगा डेली हलचल। कैमरा सहयोगी मुकेश बेनीवाल के साथ रमेश जाखड़, के हरियाणा।